नमस्कार दोस्तों, माँ मेरी ममता की मूरत, पिताजी ज्ञान के सागर, बहने घर का सम्मान, मेरा भाई मेरी जान, इनके बिना मैं कुछ नहीं, मेरा परिवार मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 16 मई दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, आज हनुमान जी महाराज का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखे, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 16 मई 2023 दिन मंगलवार, आज की तिथि है द्वादशी, आज का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, सूर्योदय 5:49 AM, सूर्यास्त 6:57 PM, सूर्य राशि सूर्य वृषभ राशि पर है, अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:49 PM। आज का चाणक्य विचार। जीवन की सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर क्या ये सोचना ठीक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 चीजों का ध्यान रखें तो जिंदगी की हर परेशानी आसानी से दूर कर पाएंगे। कभी भी डरे नहीं, बुरा वक्त आने पर आप डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि आपको शांत और स्थिर मन से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। बुरे ख्यालों को मन से निकाल दें, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, दरअसल ये दुखी है जो जीवन का सच है। ये संघर्ष करना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, तो संयम और विश्वास से काम ले, सफलता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हालात और रिजल्ट पर किसी इंसान का बस नहीं होता, लेकिन किस हालात में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुरे से बुरे हालात में अगर आप खुद पर काबू रखकर प्रतिक्रिया देंगे तो आपसे सफल इंसान कोई नहीं हो सकता। बुरे समय में भी अवसर तलाशें, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने की वजहों को तलाशें, बुरा समय देखकर हिम्मत न हारें और उन हालातों में बाहर निकलने की लगातार कोशिश करें। सही जानकारी लें, लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन का एक वार ही काफी होगा। दोस्तों यदि चाणक्य की नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आर्थिक परेशानियों के चलते आपको आलोचना और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए हों। घर के लोग आपके खर्चीले स्वभाव की आलोचना करेंगे, आपको भविष्य के लिए पैसे जमा करने चाहिए, नहीं तो आगे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आदतें आपका साथ देंगी, आज अच्छी आमदनी का जरिया भी आपकी योजनाएं साबित होंगी। आज का दिन सुनहरा रहने वाला है। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ऑफिस में आज उन्हें सहयोगियों की मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आज आपको किसी पारिवारिक काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, यात्रा सुखद रहेगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। जो युवक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बेहतर जॉब ऑफर्स मिलेंगे, अनाथालय में आर्थिक सहयोग करें, सभी दिक्कतें दूर होंगी। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस करेंगे, आपका जीव रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट भी पैदा करेगा। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर ना खर्च करें, दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी करेंगे। सावधान रहें, कोई आपसे दिल लगे या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त आंख कान खोले रखिए, हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या कोई कीमती विचार लग जाए। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। बिजनेसमैन को आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अपनी परेशानी पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें, मन को शांति मिलेगी। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से बचें, छात्रों को शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में भी मन लगेगा, शिवलिंग पे पंचामृत चढ़ाएं, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें, उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें, आपका मूडी रवैया आपके भाई का मिजाज खराब कर सकता है। स्नेह के बंधन को बनाए रखने के लिए आपको परस्पर सम्मान और विश्वास पैदा करने की जरूरत है, आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। संयम और साहस का दामन थामे रखें, खासतौर पर तब जब आप दूसरे आपका विरोध करें, जिसकी कामकाज के दौरान काफी संभावना है। आज दिन आपका बेहतरीन होगा। इस राशि के जो लोग वकील हैं आज आपको किसी पुराने केस में सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। इस राशि के जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें आज फायदे का सौदा मिल सकता है। आज घर वालों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, आज आपको कोई सामाजिक कार्य करने का मौका मिल सकता है। पूजा घर में घी का दीपक जलाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए दिन अच्छा है। समूह में शिरकत दिलचस्प लेकिन खर्चीली रहेगी, खासतौर पर अगर आप दूसरों पर खर्च करना नहीं बंद करेंगे तो।
दोस्तों और जीवन साथी आराम तथा खुशी देंगे, नहीं तो बाकी दिन उबाऊ और नीरस गुजरेगा। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें, नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देंगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। आज आपका मन आनंदित रहेगा। इस राशि के जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं आज उनको उम्मीद से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। आज लवमेट के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के जो छात्र लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने का अवसर मिल सकता है। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत होगा, आप बेहतर फील करेंगे। छोटी कन्या के पैर छुए व्यापार में लाभ होगा। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। रिश्ते ऊपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज ये साबित कर सकता है। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार ना करें, अपनी व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। आज प्यार की मदहोशी में हकीकत और फसाना मिलकर एक होते हुए मालूम होंगे, इसे महसूस करें। संभव है कि आपके वरिष्ठ आपकी बातों को ठीक से ना समझ सके, लेकिन धैर्य बनाए रखें, जल्दी वे आपकी बातों को समझ सकेंगे। आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसी नई डील में पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप ले सकते हैं। आज घर के कार्यों में भाई का सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के शिक्षकों को आज पदोन्नति भी मिल सकती है। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए उत्तम है। गायत्री मंत्र का जाप करें, घर में सुख और शांति आएगी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश ना करें। मुमकिन है कि आज आपके माता पिता आपकी बात को गलत तरह से समझें, क्योंकि आपने अपनी बात भली भांति उनके सामने नहीं रखी होगी। सुनिश्चित करें कि बात उन्हें ठीक तरीके से समझ में आए। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे, इस लिहाज से आज का दिन बहुत खूबसूरत लगेगा। आप अपने माथ हाथों से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। आज का दिन पॉजिटिव रहेगा। आज अपने सोचे हुए कामों को जल्द पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं आज उनके बिजनेस का विस्तार हो सकता है। आज दोस्तों के साथ दिन मौज मस्ती में बीतेगा। इस राशि की जो महिलाएं जॉब करती हैं आज आपका काम समय रहते पूरा हो जाएगा। आज अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी के बीच में बोलना अवॉइड करें, जरूरतमंद को खाना खिलाएं, रिश्तों में मिठास आएगी। आज आप जरूरी काम को निपटाने के लिए प्री प्लानिंग करेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज शाम को किसी दोस्त के पर आप जाएंगे, उनके साथ किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत होगी। इस राशि के फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स के पास आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। तोते को हरी मिर्च खिलाएं, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। दिन आज परिवार के अधीन कार्यों को पूरा करने में गुजरेगा, समय नहीं मिलेगा। अपने पार्टनर या फ्रेंड को भी आप समय नहीं दे पाएंगे, जिस कारण आपका साथी आपसे रूठ सकता है। व्यापार के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है। सिर दर्द आपका दिन खराब कर सकता है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मरून। उपाय मसूर की दाल व कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को देने से हेल्थ बनी रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों राधे राधे।